बातचीत, हर उनका हर वो एक एक्टिविटी आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। और जो घटना है बहुत ही दुखदायी घटना है, क्योंकि आलोक जी का जो तबीयत खराब हुआ था उनकी मृत्यु हो चुकी है। आलोक जी हमसे भी अच्छे प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और कम उम्र में उन्होंने जो अमित तो आप देख रहे हैं नजर जनता न्यूज़, आप सभी का स्वागत है। तो देखिए बहुत दुखद घटना, बहुत दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है, अच्छा तो नहीं लगता है लेकिन फिर भी मजबूरन बस बोलना पड़ रहा है। जो आलोक यादव जी थे, जो वो भी मीडिया प्रभारी थे, तो उनका गंगा जाने तबीयत खराब था। तबीयत खराब होने के पश्चात हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद में वहीं पे उनका थोड़ा सा डैमेज हो गया। तो देखिए आज यदुवंशी सेना के अध्यक्ष जो आए हैं, तो मैं इनसे ही मैं बात करूंगा, जो कोई पहचान के कोई मोहताज नहीं है, इनको हर कोई जानते हैं। जो चलिए मैं आप लोग उन्हीं से मैं बात कराता हूँ कि इनको क्या उन पे बोलना चाहते हैं, तो कुछ इनसे मैं बात करूंगा। तो आप फेस देख के आप जान गए होंगे कि संतोष रेणु यादव जी हैं, इनको बहुत लोग जानते हैं, कौन ऐसा जो बिहार का लोग है जो इनको नहीं जानते हैं। और इनमें बहुत ये अच्छा लगता है कि कहीं पे भी किसी का भी अगर घटना घटता है तो उसमें इनका शामिल एकदम होना ही होना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह के हर किसी का ये होना चाहिए कि किसी का अगर कुछ भी घटना घटता है तो ये एकदम वहां पे आते हैं और इनको दिलासा जरूर दिलाते हैं, इसे होना भी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। तो थोड़ा ये बताइए कि उनको जो तबीयत खराब था, थोड़ा क्या हो गया, तो थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। हमें जैसा कि जानकारी मिली, जैसे रात में व्हाट्सएप पे हम जब गए तो एक ग्रुप में कुछ भाई लोग थे जो हमसे कुछ कहना चाह रहे थे जी। तो हालांकि पहले तो प्रारंभिक अवस्था में उनकी बात हम नहीं समझ पाए, वो कुछ नाराज थे कि संतोष भैया घर नहीं गए। तो पूछे कि किनके घर, पिछले एक महीना से लगभग हम सोशल मीडिया से काफी दूर है जी। तमिलनाडु मेटल में वहाँ पे मजदूर लड़ाई लड़ते जी, देखे थे आपको वीडियो, तमिलनाडु गए थे तो वहाँ पर तमिलनाडु पुलिस अरेस्ट किए थे। हाँ, तो उसी मामले में तमिलनाडु मामले मेरे ऊपर केस था, तो केस वेस में हम लगे हुए थे, तो सोशल मीडिया से दूर थे, हमको जानकारी नहीं था। तो रात में वही व्हाट्सएप के जरिए मुझे जानकारी मिली कि आलोक ऐसी घटना घटी है। हालांकि आज रात में फिर मुझे मुंबई के लिए निकलना है, लेकिन फिर हुआ कि पहले यहाँ बोले आपका ये जो दिल है सर, बहुत अच्छा लगता है। हर किसी का ये काहे ना सोच ये होता है कि किसी का दुख में थोड़ा सा बांटे। देखिए हमारे लिए ये व्यक्तिगत ये मेरी संकट है, जी है, क्योंकि आलोक जी हमसे भी अच्छे प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और कम उम्र में उन्होंने जो अमीर छाप बनाई समाज के बीच में, वो काबिल तारीफ थे। और हर कोई कोशिश करता है, हम भी कोशिश करते हैं कि आलोक जी के जैसे हम भी जिंदगी जी पाए। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता, जीवन जी रहे हैं आप, और यथार्थ सत्य है कि मृत्यु हर किसी को प्राप्त होना है, किसी को समय पर होता है, किसी को असामयिक हो जाती है, लेकिन जीवन उसे ही कहते हैं जो आप जब तक जिए तब तक शांत से जिए, समाज के लिए जिए। और आलोक जी ने वो जिंदगी जिया है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चले। पहले तो उम्र में छोटे थे लेकिन अब उम्र में हमसे काफी बड़े हो गए, तो परिवार चूंकि परिवार के पीछे विपदा की घड़ी में दुख दर्द बांटने के लिए यहाँ पे आए हैं जी। बहुत अच्छा लगता है सर कि आप कहीं पे भी आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उस परिवार के कुछ ना तो राहत तो जरूर मिलता है। कि कुछ आपको ये दिल में कैसे आता है कि हर किसी का दर्द में हम थोड़ा शामिल हुए? होता है क्या ना कि जीवन आप जिस प्रकार के रास्ते पे चलना चाहते हैं, अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, आपको डिपेंड करता है। हमने भी प्रारंभिक अवस्था से काफ़ी संघर्ष किया है और हम भी जब संकट में होते थे तो पहले भी लगता था, अभी भी लगता है कि
के या हर कोई व्यक्ति संकट में होते हैं तो लगता है कि हमारे पास भी समाज के लोग अपने लोग आए और संकट में सहारा दें। तो अब जिस प्रकार का संकट आलोक जी के चाहने वालों के बीच आई है, उनके परिवार के बीच आई है, तो संकट का कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन ये दुनिया की रीत है, परंपरा है, तो इसी परंपरा को निभाते हुए हम सबको चलना है। आज आलोक जी हमारे बीच नहीं है, कल हम भी आप सबों के बीच नहीं रहेंगे, तो ये तो परंपरा है। वो तो है ही ऐसा कि जो आया है एक दिन जाएगा है, लेकिन कोई टाइम से जाता है और कोई बेटाइम से जाता है, वो बहुत दर्द होता है। जी, तो इन्हीं चीजों को देखते हुए एक सहानुभूति, एक जो परिवार का जो दर्द को साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद होता है कि चूंकि आलोक जी ने अपने लगभग जिंदगी समाज की सेवा में ही बिता दी, उन्होंने अपने लिए और अपने बिल्कुल जो परिवार के लोग हैं उनके लिए बहुत कम समय निकाला अपने जीवन का। तो अभी हम लोगों का दायित्व बन जाता है कि आलोक जी के नहीं रहने के बाद आलोक जी की उस सेवा का हम लोग उनके परिवार को इस वक्त किस प्रकार से खड़े होकर जी उसका रिजल्ट दे पाते। तो मैं वो जो आलोक जी के घरे वाले कोई हैं यहाँ पे वो पापा हैं, तो मुझे भी तो दुख है अंकल के, चूंकि एक पिता के अगर जवान बेटा अगर किसी अति हो जाते हैं तो दर्द तो हर किसी माँ बाप के होता है, तो उनको आप क्या कीजिएगा इसमें ही भूलना है। और तो सर अब बताइए कि आप संतोष विहार से आप क्या कुछ क्या करना चाहते हैं, आगे जगह दर्द तो सबके है, जो कि अगर मेरे जोड़दार है तो मेरा भैया थे, मेरे भाई थे, दर्द उतना ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ उसकी उपलक्ष्य में हम क्या बोले, मेरे पास कुछ शब्द नहीं जुट पा रहा कि हम उसके लिए बोले, इतना कम समय में जो कुछ किया, अपने समाज अपने साथ के बीच में जो पहचान बनाया और उसके प्रति साथी लोग जो उसको सहयोग अनुदान प्रेम से नहीं दिया, मैं जिंदगी भर नहीं खा सकता। और मैं विशेष क्या कहूँ, कहने में सक्षम हूँ। देखिए पिता का दर्द तो बहुत होता है कि जब जवान बेटा अगर कुछ होता है तो बहुत दर्द हो रहा है, हमें भी थोड़ा दुख होता है कि मैं भी वही लाइन से हूँ जो भैया लाइन से थे। तो चलिए देखिए और कुछ, मैं यादव यहाँ पहुंचे हैं इस गाँव में, अचानक से इनको पता चला है और ये गया पहुंचे हैं। और जो घटना है बहुत ही दुखदायी घटना है, क्योंकि आलोक जी का जो तबीयत खराब हुआ था उनकी मृत्यु हो चुकी है और इनका आज जो है श्रद्धांजलि भी दिया जाएगा। गाँव वाले भी आएंगे और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो भी आएंगे। संतोष रेणु यादव भी पहुँचे हैं अचानक से, क्योंकि ये तमिलनाडु का जो मैटर है आपको तो पता ही था कि संतोष रेणु यादव इससे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव भी नहीं थे। क्या घटना है, कैसी घटना घटी है, आज क्यों पहुंचे हैं, इसके बारे में संतोष रेणु यादव जी बातचीत हर उनका हर वो एक एक्टिविटी आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो क्या मतलब, क्या उनको पहले से कोई बीमारी था या फिर अचानक से उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या क्या इसमें कारण क्या लगता है? पहले से जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुआ कि वो कभी कभी पेट वगैरह कभी दर्द हुआ या ऐसा कुछ हल्का फुल्का कभी कभी रिपोर्ट के बारे में आपने कुछ बातचीत कर हाँ चला। जैसे उसके बाद प्रारंभिक अवस्था में तो लोकल लेवल पे ही हर लोग जांच कराते हैं, इलाज कराते हैं। कहाँ इलाज करा रहे थे? प्रारंभिक अवस्था में सरघाटी में इलाज, पहले से सरघाटी में इलाज करा। उसके बाद आपने कहाँ सोचा उनको ले जाने के लिए? उनके बाद वो गया तो उनको जब ट्रांसफर किया गया तब वो पटना एम्स में गया। पटना एम्स में आपने इलाज करवाया, कैसा था एम्स में, कैसा इलाज हुआ? एम्स का इलाज इतना बेहतर नहीं था, संतुष्ट लायक नहीं था। हम लोगों को द्वारा जो कोशिश था कि उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए वो नहीं हो पाया। आपकी सरकार है, यदुवंशी सेना यहीं पर है जी, तो आरजेडी की सरकार है, एम्स पे आप आरोप लगा रहे हैं या इलाज नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों? मंजिल सभी को दिखता है लेकिन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जरूरी है,
अभी वो रास्ता दिखाने वाली हमारी जो लोकल जनप्रतिनिधि हमारी विधायिका जो है, कौन है, मंजू अग्रवाल, वो इस पे कोई भी रिजल्ट नहीं दी या फिर कोई एक्शन नहीं। कौन पार्टी से है मंजू अग्रवाल? आरजेडी की विधायिका भी, शेरघाटी की। क्या कोई सपोर्ट नहीं मिला? कोई सपोर्ट नहीं। वो जिताने वाले भी तो आप ही लोग? हाँ ठीक है, जिताने वाले हैं। वो गलत कदम, अब पता चला हम लोग कि वो कदम गलत था। अभी तो सारे नेता एक जैसे ही दिखते हैं। दोबारा आप मौका देंगे उनको? कैसे देंगे, जब उनसे कोई उम्मीद ही नहीं रहा तो कैसे हम देंगे उनको मौका? अभी मौका तब देते जब वो हमारे साथ खड़ी होती। इतना सारे लोग खड़े हैं, संतोष भी आए हुए हैं, वो भी तो आके मिल सकती थी किसी। विधायक जी के नजर में, जो विधायिका जी हैं उनके नजर में आलोक जी क्या थे? उनके खास आदमी थे आलोक जी। एक कॉल हुआ नहीं कि आलोक बाबू उनके पास खड़े होते थे। कोई भी काम हो उनके बगैर संभव ही नहीं था। कोई भी क्षेत्र घूमना हो, आलोक बाबू नहीं हो तो विधायिका नहीं जा सकती उस क्षेत्र में। अभी जब उनका जरूरत पड़ा, विधायिका की जरूरत पड़ा आलोक बाबू को, तब वो खड़े ही नहीं। तो कहने के मतलब है कि सुख के घड़ी में आलोक जी काम दिए थे और दुख के घड़ी में आलोक जी के काम नहीं आए। ऐसा क्या हो सकता है कि आलोक जी इतने बड़ी मुसीबत में थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, फिर भी आपके विधायक जी एक लेटर पैड पे लिख कर नहीं दे सकते एम्स में कि मेरा खुद का जो बंदा है, मेरा खुद का सपोर्टर है, मीडिया प्रभारी भी है, वो इलाज के लिए मोहताज है, वहाँ इलाज उसको चाहिए ना एम्स में। लेटर पैड को लिखना तो दूर की बात, वहाँ जब वो मिलने गए एम्स में तो डॉक्टर से तक नहीं मिले। अगर ठीक है लेटर पैड पे नहीं लिखी, बाद में आके लिख सकती थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद ना वो प्रभारी से मिले वहाँ, ना किन्हीं डॉक्टर से मिले, गए पेशेंट से मिले। वैसे तो हमारे गांव से भी जा रहे थे, मिल के आ रहे थे, बट विधायिका आप हैं, आपका कर्तव्य अलग है, आपका पद अलग है, आप पद पावर यूज कीजिए, सही से इलाज करवाइए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि सरकारी अस्पताल में सही से इलाज नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। ये आप बात जो है एकदम स्पष्ट तरीके से बोला जा रहा है कि नहीं हो रहा इलाज। आप इसमें क्या कर सकते? आपकी गठबंधन महागठबंधन की सरकार है और यहाँ बोला जा रहा है कि सही ढंग से कोई इलाज होता नहीं। सर देखिए, इसी जो शिकायत है, इसी शिकायत को लेकर की कार्रवाई तो तेजस्वी यादव तो रात के 2 बजे पहुंच जाते हैं पीएमसीएच में। हम वही करें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, इसी तरह की शिकायत को लेकर के लगातार वो कार्रवाई कर रहे हैं। और नहीं लगता, ऐसा आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी के नजर के पीछे में ये काम हो रही है? देखिए उनको उनके पास जानकारी नहीं है, होता है क्या? आपको आपको क्या लगता है जानकारी उनको है? स्वास्थ्य केंद्र में गलत काम हो रहा है? नहीं, उनको अगर जानकारी होता तो ये काम होता ही नहीं। आपने इन्फॉर्मेशन पहुंचाया वहाँ? इन्फॉर्मेशन पहुंचा बट बहुत लेट पहुंचा, लेट हो गया। तब तक के इतना लेट हो गया कि हमारे पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आ चुके थे। संतोष जी से बात करते हैं, आप इसको क्लियर कीजिए कि कैसे जानकारी क्यों नहीं पहुँच पाती है? देखिए ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं पहुंच पाएगी तब इलाज नहीं होगी, ऐसा नहीं। लेकिन एक जो लोकल लेवल के जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनका एक दायित्व होता है कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को आप किस प्रकार से ट्रीट करते हैं, कैसे देखते हैं। इसमें कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो भी लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी। और उसके बाद जब इन्फॉर्मेशन जब आगे जब पहुंची तो इन्फॉर्मेशन पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो गई। और जैसे ही इन्फॉर्मेशन पहुंची तब कार्रवाई हुई है, बट भैया बहुत लेट हो गया था। चलिए अब तो आलोक जी हमारे बीच में नहीं है, अब जहां भी होंगे वो अच्छे होंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो ये घटना घटा है बहुत ही बड़ा घटना है, तो इसकी जानकारी क्या आप तेजस्वी यादव के यहाँ पहुँचाएंगे? बिल्कुल पहुँचाएंगे। अभी तो आ चुके यहाँ से, नाइट में निकल जाएंगे बॉम्बे के लिए, वहाँ पे कुछ काम है, कुछ सामाजिक काम भी है, तो उसके लिए निकल जाएंगे। और देना फिर जब भी हम वहाँ से लौटेंगे तो लौटने के बाद एक बार पुनः यहाँ पे हम आएंगे सभी परिवार, क्योंकि हमारे लिए पारिवारिक क्षति है और हम पूरे परिवार यहाँ पे बैठ करके और इस पारिवारिक क्षति को कैसे कुछ असरहीन कर पाए, बहुत बहुत बड़ी तकलीफ की ये घड़ी है, इसको हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। क्या क्या मदद क्या पहुँचेगा आलोक जी के परिवार को, क्या मदद मिलेगी सरकार के तरफ से मिलेगी या फिर रघुवंशी सेना के तरफ से मिलेगी या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके तरफ से मिलेगी? देखिए कौन लोग क्या करेंगे ये तो
हर लोगों की अपनी अपनी मानसिकताएं हैं, अपनी अपनी सोच विचार है, लेकिन हम लोग अपने स्तर पे जो भी हमारे भाई लोग हैं, अपने परिवार लोग हैं, हम लोग अपने स्तर पे ठाने हैं। जहाँ तक होगा आलोक जी की जो त्याग और समर्पण जो रही है समाज के प्रति, उस त्याग और समर्पण को हम लोग यूँ बेकार नहीं जाने देंगे। हम लोग जिस प्रकार से आलोक जी समाज के प्रति हर वक्त हर क्षण खड़े रहे, हम लोग भी आलोक जी के परिवार के प्रति हम लोग खड़े रहेंगे और हर प्रकार से नैतिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, पॉलिटिकल तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी, जैसे भी हम लोगों को लगेगा, हम लोग एकजुट होकर के आलोक जी के परिवार अपना परिवार बनाए हैं, थे भी, लेकिन अब जिम्मेवारियाँ हमारे कंधे पे आ गई हैं। जो पहले हम लोगों की जिम्मेवारियों को आलोक जी समझते थे, अब उनके परिवार की जिम्मेवारियाँ हम लोगों के कंधे पे आ गई। चलिए, उनके पिताजी भी हमारे साथ है, कार्रवाई करते हैं और आप देखते होंगे कि PMCH या NMCH यही सब शिकायत को लेकर के NMCH के उन्होंने सस्पेंड किया था। उसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी काफ़ी कमेटी बनी थी इसके लिए, इस पर आपत्ति जताई थी। तो है क्या कि वो तो कार्य करते हैं, वो कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करते रहेंगे। जो सरकार है ये कार्रवाई वाली सरकार है, लेकिन है क्या कि इस तरह की घटना हुई है, इसकी जानकारी हम लोग वहाँ की सरकार देंगे, बताएंगे। कुल मिलाकर आलोक नहीं आ सके, किसी वीडियो ही बन रहा है, साफ सोच रहा है।